साजना संत आवा, साजना संत आवा, साजना 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 संत आवो मेरे, आवो जी आवो मेरे। साजना कौन कह रही है? कोई पुकार के कह रही है, जिस दे करो शायद चले गए ने, मुड़की आन की उम्मीद है, ताई ते कह रही है आवो मेरे आवो मेरे आवो। तुसी भी ढंग सिखो, ये कह साजन बुलाने की भी कोई तमीज होनी चाहिए। यह कोई तमीज है? सज्जन बुलाना हंकार, सज्जन बुलाना खिज के, सज्जन बुलाना रोसिया नाल नहीं। तेरी आहों में तस्वीर होगी तो साजन खिंच के आएंगे। सिखा अपने अंदर तासीर पैदा कर सोनिया, मैखिया खिचा पैदा कर, लोचा पैदा कर, तड़पा पैदा कर। साजन किधरे दूर नहीं, साजन तेरे नेड़े ही ने। नेड़े होके भी तेनू नहीं दिस दे, क्यों कि उस घर विच मैं रहिंदा है, ते जिथे मैं रहिंदा उथे तू साजन नहीं रहिंदा। मैं ते तू एक जगह नहीं रहने, मैनू तू विच कर दे तो फिर साजन कोल ही ने, कोल ही ने, कोल ही ने। अज तू रोज भावे कह ना कह, पर अज ते जरूर कह साजना संत साजना 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 संत आवो मेरे। आनंद गोनेदा, हे गोनेदा, हे गोनेदा, मजा नहीं दा, 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 दा,
माधा नहीं था झा नहीं था पाधा नहीं मा पाधा गा मा पा गा पा गा पा गा पा गा पा गा पा पा मा मा गा पा 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 मा मा गा 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 पा पा मा मा पा पा गा गा पा पा मा मा पा पा गा मा पा गा मा गा रे सा ने दे ने रे सा रे सा नी रे सा क्या बाबा भगवान चाहिए बोले हां गा रे सा रे नी रे सा क्या गा रे सा रे नी रे सा मानी दा जानी सा नी रे सा सारे मा आनंदा कुन गाए मंगल धन राग ते धन ए रागणियां ने जिन्ना बारे बाणी कहंदी है ना धन सो राग सरंगड़े आलापत सब त्रिख जाए। इस करके साडा भी दिल करदा है कि तुसी अज राग रागणियां नाल मिलके अपने साज नूं बुलाओ अते आखो साडा जैसा कैसा भी घर है ये आप जी दा ही है, असी बसुरे हां के सुर विच हां पर हाँ असी आप जी दे ही असी राग रागनिया ना मिलके आख रहे हैं साजन जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी साजना संत आओ तेरे नजर देता नहीं जादा रे जी ताना ना 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 Thank you.
सजना 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 संत आओ सजना 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 ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਏ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਚਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਜੀਆਂ ਪਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂ ਕਲਪੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਵਸ ਕੇ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਵਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਚਲੋ
अज ते असी खालसा या सिख ते आशिक ही कहांगे। आशिक बुला रहे हैं जी किनू? अपने साजन। पर किवें बुला रहे हैं, किस तरह बुला रहे हैं, ते किस घर विच बुला रहे हैं, जरा इस नू भी ते देखना पड़ेगा ना सानू। तुसा तकिया होना है भाई, जितने इंसानी जात ना तलक रखने वाले मेहमान नवाजियां करने वाले तुसी समाजिक बंदे होंदे हो, तुसा वेखिया नहीं कि जदों कदी अपने मेहमान नू घर बुलाना होवे ते घर किन्ना सजाया से सवारिया जांदा है, किन्ना उसनू सोहना बनाया जांदा है। क्यों? कि किसे अपने यार नू घर बुलाना है, किसे सज्जन नू घर बुलाना है, किसे मेहमान नू घर बुलाना है, घर दियां सफाइयां, घर दी देख रेख सारा परिवार ही करदा है। साजन खुश करन लई, यार खुश करन लई, किसे रिश्तेदार नू खुश करन लई। पर अज इत्थे इस घर विच अरशी प्रीतम नू बुलाया जा रहा है, ते की कह के साजना संत आवो मेरे आनंद गुण गावो मंगल कसमला मिट जाए अज ते इस तरह बुलाया जा रहा है। बुलाने का ढंग बड़ा सोहना है, बुलाने की तरकीब तरजीह कोई फर्क नहीं। प्रकाश एक बड़ा वड्डा दुख है, दसा बुलाने वाले तेनू अज दसा सुनेगा? बुला ते रहे हैं, बुला भी साजन ही रहे है भी तेरे नहीं, खिच भी है, लोच भी है, पर एक ऐसी कमी है जेड़ी शायद साजन नू बुला के साजन कर आके भी शायद किधरे चले ना जाए। सानू ये सोच पई है, सानू ये फिक्र लगा है कि साजन आके भी चले ना जाए। पर तू पूछेगा क्यों? जो आ जाएंगे, जो मैं ठीक बुला रहा, जो मैनू खिच है, वो आ भी गए ने, फिर क्यों जाएंगे? दसने दसने तेरे वर्गा एक प्यारा सी, तेरे वर्गा एक नवा नवा इस मार्ग से लगा आशिक साधु सी, उसने भी बुलाया सी, ते उने ते आमो सामने होके ये भी कहता सी कि मैं एक दिन हरी से मैंने कहा, उन्हें भी तेरे वांग इंज किया सी, एक दिन हरी से मैंने कहा मैं आ मेरी जान मेरे कुल के रूए रुआ मेरी हसरत है आए दिल रुबा कि मेरे घर भी मेहमान बन के आ। हरी ने कहा अच्छा आज तुम्हारा दिल हमारी मेहमान नवाजी करने को कर रहा है, ठीक है साधु जी फकीर जी मेरे मार्ग पर लगे गुरसिख जी आशिक कहलाने वाले आशिक जी मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हो तो ठीक है आ जाएंगे हम, मगर एक बात का ध्यान रखियो मेरा ना वादुला शरीक है, मेरा शरीक कोई नहीं, जहां कहीं और कोई हो मतलब दूसरा हो वो फिर दूसरी जगह पर दूसरी बात पर दूसरे किसी और की दखल अंदाजी पर मैं नहीं रहता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं वहां आता, इस बात का ध्यान रखियोगा। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, आप ये चाहते हैं कि उस घर में एकांत हो, कोई और ना हो जी? हाँ भाई यही बात है प्यारे आशिक, नए नए आशिक हो, हमने कहा सर बता दें तुझे, तो कहो कहो क्या कहना चाहते हो, क्या कहते हो? तो कहा क्या कि एक दिन हरी से मैंने कहा मैं ओ मेरी जान मेरे कुल के रूए रुआ मेरी है हसरत आए दिल रुबा कि मेरे घर भी
ਮਹਿਮਾਂ ਬਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਬਸ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਾਨ ਜਹਾਂ ਮੁਝਕੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਐ ਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ, ਤੋ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਕਹਾ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਬੋਲੇ, ਸਾਜਨ ਬੋਲੇ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਹੋ ਸਾਧੂ? ਅਰੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਸੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਜਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹੋਸ਼ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੀ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਕਹੋ ਔਰ ਆਗੇ ਕਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਲਕੇ ਰੂਏ ਰੂਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਤੜਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੁਲਕੇ ਰੂਏ ਰੂਆ, ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਆਏ ਦਿਲ ਰੁਬਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਬਸ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਾਨ ਜਹਾਂ ਮੁਝਕੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਬਸ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਾਨ ਜਹਾਂ ਮੁਝਕੋ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਖਾਨ ਆਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸਦਾ। ਕਿਆ ਕਹਾ, ਆਗੇ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਯਹੀ ਕਹਾ ਥਾ? ਫਿਰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਵਾਹਦਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੂੰ, ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋ ਵੋ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਸਮਝੋ ਬਾਤ ਕੋ, ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਕੋ, ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ, ਮੁਝੇ ਤੁਮ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲਗਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਾਤ ਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਵੋ ਸਟੇਜ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੋ ਅਜੀਬ ਤੜਪ ਲੋਚ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਸਿਰਫ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸਦਾ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਘਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਹਰੀ ਨੇ ਕਹਾ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਦੂਲਾ
शारीक शराकत की मुझ में समाई नहीं, तेरी दावत ये मुझको भाई नहीं। जहां मैं रहता है वहां तू ही तू नहीं रहता। हरि ने कहा ये बात नहीं थी। तू तो कहता था उस घर में कोई रहता नहीं, उस घर में तो मैं रहता है, जहां मैं है वहां तू नहीं। हरि ने कहा ये बात नहीं थी। मेरा नाम है वाहदुला शरीक, शराकत की मुझ में समाई नहीं, अभी फिलहाल ये तेरी दावत की मुझको भाई नहीं। कपाट उबा निकल गई ये कह के अर्शी प्रीतम थोड़े सारे दे पति ते पिता जी अलोप हो गए, बेबल हो गई आत्मा, तड़प रही है। पर खालसा जी तुसी भी साजन नु घरों कढ दिता है, ते या साजन घर नहीं बुला रहे, ते या जिस घर विच बुलाना चाहते हो उस घर दे तुसी खुद अपने हत्था नाल जंगले मार दिते ने, और चाबी भी गुआची नहीं। ताड़ियां बहुत सारियां जेबां ने जिथे तुसी गुरां दे नाल सौदेबाजियां करते हुंदे, उन्हां जेबां विच कुछ दे के ते कुछ लै के लगता किसी जेब विचों चाबी तुसी रख बैठे हो, हुण गवाच गई है चाबी जिहड़ी तुहाडे पास सी है। हुण बुला रहे हो साजन नूं ते घर वजे होए ने जंदरे, दसो ये की जुगत होई, ये की तरीका है प्यारिया सिखा, ये की तरीका है। ते एक सुन लै, जब तक घर च जंदरे वजे रहने ने ना, ते जब तक उस घर विच साजन नहीं आने, तेरे घर विच कदी बाहर आ ही नहीं सकदी, चाहे तू किन्ने मोर्चे ला लै, चाहे तू किनियां टारा मार लै, चाहे तू किन्ने उपदेश कर लै, चाहे तू कुछ भी कर लै, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दा रोज पाठ भी क्यों नहीं खुलवाई रखदा, जिहड़े तू अखंड पाठ पिया करना है वह भी सौदेबाजियां नाल। पर हकीकत यह है कि जब तक तेरे घर का दरवाजा जी ओ चंद्रा नहीं खुलदा जिसकी कुंजी तू खुआ बैठा, पर ठहर जा मैं दसना। गुरु बिना मन का ताक नहीं खुलना, ताला नहीं खुलना। गुरु बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ। ए मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ। ए सतगुरु तो बगैर नहीं हो तेरी कुंजी किसी ने मिलानी, ए वही ढूंढ के तेरे हाथ फड़ान गए, जंदरा आप भी नहीं खुलान गए। खालसा जी ये जंदरा भी तुहाडे हत्था नाल ही खुलाउणा है, खोल देना जंदरा, घर साफ कर लेना जिस घर विच हुण तक तुसीं सौदेबाजियां करदे आए हो ना श्री सतगुरां नाल भी। सौदेबाजी ऐसी सौदेबाजी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने भी प्रसा विच छुपा के वधियां भी कीमतां रख लईआं, उसनों भी वेचण तो तुसीं बाज नहीं आए। पाठ रखा के भी कुछ सुखां दियां मंगा ही मंगदे रहे, पर कदी खालसिया सुणिआ कदी किया ही मेरा साजन मेरे घर विच आ जावे। जे बच्चू साजन घर विच आ जाएगा तो फिर तू खेरू खेरू नहीं होवेगा, जे साजन घर विच आ जाएगा फिर तैनू मंगा लोगों को मंगण की लोड़ नहीं, लोग आप खुद नजराने लैके तेरे चरणों विच पहुंच जाएंगे। और तू राजा ती योगी हो के इस सृष्टि ते सच्ची मुची राज करेगा। पर अज तेरा सब कुछ हुंदिया क्यों जड़ गया है, तू सब कुछ उदा हुंदा होया घरों बेकार क्यों हो गया है, किसे दा हो के भी तू बेगाना क्यों हो गया है, क्यों कि तेरे घर विच चंद्रे वज गए ने, साजन तेरे घर विच नहीं रहे। पर जरूर आणगे साडी अज राय है कि तू वो जड़ी पहली बात कही सी ना, अरदास दी डोरी, बेनती दी डोरी, बेनती दी सांझ, अरदास दी सांझ दी डोरी गुरां दे चरणां नूं टुटण ना दई। सो अज साडा दिल करदा है उसे डोरी नूं खिच खां, साजन भावे सचखंड विच होवे ते चाहे अज कल पखंड खंड इस दुनिया विच ही होवे, किसे जगह होवे जा फिर सानू पूरी तसल्ली है, असी तो तैनूं पूरी विश्वास नाल तेरे विश्वास पात्र बन के, चाहे तू सानू अपना बनावे ना बनावे असी तेरे विश्वास पात्र बन के तैनू कहने आ। सुनिया साजन आणगे जरूर आणगे, पर तू अरदास ते बेनती दी ये डोरी जरा खिच के अज
कहो ना इस शब्द न साजना संती आवे साजना संती आवे साजना 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 संत चरण धरो माथे चांदना ग्रह होया अंधेरे संत प्रसाद कमल बेग से गोविंद भजो देख रे प्रभ कृपा दी संत पाए वार वार नानक हो बेरे साजना संती आवे साजना 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 है साजना साजना साजना